Hey guys, welcome to my new vlog. जय श्री कृष्णा. आज तो अभी रक्षाबंधन है और पापा और अंकल सब लोग यहाँ पे रेडी है, मतलब बैठे पापा और अंकल तो अंदर है, आंटी भी रेडी हो गए. आंटी अभी कहीं पे जाने का प्लान है? ये देखो सारी मिठाइयाँ लेके घूम रहे मामा के घर जाएंगे अभी. यशवी तेरे को कब राखी बांधने की? मेरे को बांधनी नहीं, नहीं बांधनी है. कोई बात नहीं, हमको पैसा बचेंगे हमारे. सर पे डाल के घूम रही है. और हमारे काना जी ने भी मस्त वो आंटी ने बनाया था ना, वो वागा पहने. राखी अभी तो किसी ने भी नहीं बांधी. यशवी क्या कुछ प्लान है? किसका राखी बांधने? बांधूंगी भाई, उतावर तो तेरे को फाट यार. तो फिर अभी है ना, रुक जा, मीरा दीदी आएगा ना तो साथ में बांधूंगा. चलना वो कर ले, जवाब नहीं देगी वो, ऐसे ऐसे नखरे करेंगे. तो गए अभी यशवी पहले कान्हा जी को राखी बांधेगी. यशवी तो अभी यशवी ने तो कान्हा जी को राखी बांधी है. पेड़े खिला, चॉकलेट खोड़ा भगवान तो नहीं, पेड़े खिला पेड़े. गाइस अभी फिलहाल फाई भी आ चुके हैं. फाई जय श्री कृष्णा. तो अभी फाई पहले, मीरा दीदी नहीं आई तो फाई पहले अंकल और पापा को दोनों को राखी बांधेंगे. और मीरा दीदी भी आ चुकी है. हेलो मीरा दीदी. हेलो. तो रक्षाबंधन के अवसर पर हमारा घर भी तिरंगा हो गया. देखो तीनों ने मतलब तिरंगे के कलर का पहन लिया. और मीरा दीदी ने ब्लू भी रखा है अशोक चक्र के जैसे. हर घर तिरंगा हो गया. ये मीरा दीदी देखो हमारे लिए कैसी राखी लाई है, मतलब ये कार्टून वाली है डोरेमोन, वो पप्पी. ये मीर भाई है? नहीं नहीं, डोरेमोन मीर भाई ये है. आ, मीर भाई डोरेमोन देखता था मतलब तेरा कुत्ता है और ये टेडी बियर. ये भी सिलेक्ट कर गया बचपन की याद दिला दी.
सेलिब्रेशन हो गया, फिर मीरा दीदी मीर भाई सब लोग चले भी गए और अभी लंच का टाइम है। मम्मी लंच में क्या क्या बनाया है? लंच में सब्जी रोटी दाल चावल और फ्रूट सलाद। सब्जी कौन सी? मुंडिया। अब मेरे को फिर से पसंद आने लगा है, वरना बीच में बंद हो गया था पसंद आना, मतलब थोड़ा टाइम नहीं खाया ना तो आने लगा फिर से पसंद। गाइस ये है उंडियू सब्जी और यहाँ और साथ में है ये फ्रूट सलाड। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग निकल पड़े हैं मामा के घर पे जाने के लिए, दोनों मामा के घर पे जाना है राखी बनवाने के लिए। मम्मी को भी बनना था, ग्रेसी दीदी और नैन्सी दीदी मेरे को बांधेंगे। तो अभी दोपहर के बीच में निकले तो शायद से ट्रैफिक तो कम मिलेगी, वरना तो दिन के टाइम पे मतलब दोपहर के बाद और सुबह में तो बहुत होती है। आई होप कि कम ही ट्रैफिक मिले तो हम लोग फटाफट पहुंच जाएंगे, वरना तो बहुत देर लग जाएगी ट्रैफिक में। गाइस मतलब ये देखो जिस चीज का डर था वही हुआ, चारों तरफ सारी टू व्हीलर गाड़ी एंड सब कुछ फंस गए अच्छे से ट्रैफिक में। ये देखो इधर पीछे ना साइड में सब जगह गाड़ी ही गाड़ी। अभी विनु मामा के शॉप पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे तो हो गया नहीं, क्योंकि आज भी शुरू ही होता है, शॉप खुली होती, इसलिए मामा को यहाँ पे ही राखी बंद थे मम्मी और शायद छग्रेसी दीदी को भी यहाँ पे ही बुला लेंगे। अभी तो यहाँ पर ग्रेसी के पास राखी बंधवा ली मैंने और अभी जाना है मम्मी के अंकल के घर पे, पोपट दादा के घर पे, तो चलो चलते वहाँ पे कल्पेश मामा को मम्मी राखी बांधेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं पोपट दादा के घर पे, मतलब अभी ऊपर जाना, अभी नीचे पार्क करके आ गए। और अभी तो है ना सूरत, ऐसा लगता है कि सूरत में भी थार चलानी पड़ेगी कि सब जगह रास्ते इतना खराब हो गए, इधर गड्ढा उधर गड्ढा, मतलब ऑफ रोडिंग करने के लिए नहीं बट गड्ढे से बचने के लिए थार लेनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। अभी यहाँ पे मम्मी ने राखी बांधी, अभी चलो चलते हैं रमेश मामा के घर पे, वहां से नैन्सी दीदी से राखी बंधवाते हैं फिर निकलते हैं। भाई अभी फिलहाल रमेश मामा के घर पे पहुंच चुके हैं, चलो ऊपर चलते हैं और राखी बंधवाते हैं। तो गाइस अभी मैं ऊपर घर पे आ गया हूँ और यहाँ पे तापी का वाटर लेवल देखो, मतलब पूरा एकदम फुल हो गया, वरना तो मिट्टी पूरी होती है, ये तो मिट्टी का तो नामो निशान नहीं है और वाटर लेवल भी काफी ज्यादा। और यहाँ पे तो पूरा सोलर सिटी बन चुका है, सब हर एक के घर पे सोलर है, 95% लोगों के घर पे सोलर है यहाँ पे पूरी सोसाइटी में पीछे।
कर अभी मामा के घर से भी निकल रहे हैं, सब जगह से राखी बंधवा ली, अब डायरेक्ट घर पे ही जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अभी बारिश भी शुरू हो गई।